इमरान खान ने तारीख दे दी, हफ्ते से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। लाहौर में वुकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, हुकूमत के खिलाफ हकीकी आज़ादी में वुकला साथ दें, कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती ना हो कोई सरमायाकारी नहीं होती। चेयरमैन PTI की ऐवान वजीर आला आमद। महंगाई के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए, शहर इक्तदार का रुख कर लिया। मरकजी सदर का कहना है, किसान मर चुका, हुकूमती पॉलिसियों ने ज़रात तबाह कर दी। मर जाएंगे, मुतालबात तस्लीम हुए बगैर नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद में किसानों का डी चौक जाने का ऐलान, रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डी चौक खारदार तारे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कंटेनर्स लगाकर बंद, नादरा चौक भी सील। विफाक और पंजाब आमने सामने, शहबाज सरकार को CCPO लाहौर गुलाम डोगर खटकने लगे। ईमानदार अफसर को लीगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना महंगा पड़ गया, अहदे से बरतरफ कर दिया। वजीरे आला परवेज इलाही ने गले लगाया, कहा इधर आओ जरा जफ्फा मारो, वेल डन शाबाश। मजीद बोले, आपको कहीं नहीं जाने देना। 22 सितंबर इमरान खान के सियासी मैच का अहम दिन, खातून जज से मुतालिक बयान पर फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाईकोर्ट लगाएगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच दिन 2:30 बजे समाप्त करेगा। जाब्ता अखलाक के मुताबिक 58 अफराद को शिरकत की इजाजत। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे। इसहाक डार केस में अहम पेशरफ्त, वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। वकील ने इस्तदा की, इसहाक डार को पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए, वो सरेंडर करने को तैयार हैं। नैब को नोटिस जारी, समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। दुनिया में सस्ता, पाकिस्तान में महंगा, हुकूमत ने शब खून मारा। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा दिया, 1.45 रुपये मजीद इजाफा। नई कीमत 237.43 रुपये पर लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत बरकरार। इजाफे पर शहरी आग बगूला। डॉलर की ऊंची उड़ान का तसलसल जारी, इंटरबैंक में 74 पैसे महंगा, 239.65 रुपये पर बंद। ओपन मार्केट में 245.40 रुपये पर मुस्तहकम रहा। फीसद लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी चादरें और अपनी तरपालें और अपना अरेंजमेंट किया, मतलब सरकार का कोई अरेंजमेंट। मैं बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन मुझे आपको सच बताना चाहिए, मुझे नजर नहीं आया। तो जो मोमेंटम बनना चाहिए था एक कौमी तहरीक का, वो नहीं बन पाया। शहबाज सरकार की नालायकियां आपने भी बरस पड़े, सैलाब जदगान से मुतालिक इजलास में वजीर आजम की अपने ही वजीर के हाथों छतरोल। साद रफीक ने हुकूमती इमदाद का भांडा फोड़ दिया। अमरीका में बैठे शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया, कहा नून लीग की कारकर्दगी सिफर है, अब तक कुछ नहीं किया, हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा, लोग पूछते हैं आपने किया क्या है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी, मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की यलगार, डायरिया, मलेरिया, हैजे और दीगर बीमारियों ने डेरे डाल लिए। अस्पताल मरीजों से भर गए, NDMA के मुताबिक मजीद 10 अफराद जान से गए, तादाद 1569 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 701 अमवात, बलूचिस्तान में हलाकतें 300 से तजावुज कर गईं, 172 अफराद जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो है वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।